परसों हम लोगों ने प्रदर्शन किया है जंतर मंतर पर, आप स्वयं भी साक्षी हैं कि वहाँ भी भारी संख्या में कई हज़ार लोग वहाँ पर, बड़ी तादाद थी लोगों की वहाँ पर आए हैं। तो हमारा कहना यह है कि 13 पॉइंट रोस्टर का अगर इंडक्शन किया जा रहा है तो उसमें ये तो देखें कि देश के गरीब तबके जिसके लिए रिजर्वेशन की व्यवस्था की गई है, जिसके लिए रोस्टर पॉइंट बनाए गए हैं, रोस्टर पॉइंट शेड्यू का शेड्यू ट्राइब्स के रिजर्वेशन को आरक्षित करने के लिए बनाया। मैं बताना चाहता हूँ सभी दर्शकों को कि ये जनरल कैटेगरी के लोगों के लिए नहीं बनाया, बल्कि इसलिए बनाया गया था कि शेड्यू का शेड्यू ट्राइब्स के लोगों का जो नौकरी उनकी रिक्ति है वो ख़राब ना हो जाए, उसके साथ बेईमानी ना हो जाए, उनकी नौकरी के पॉइंट्स को आरक्षित करने के लिए, सुनिश्चित करने के लिए ये रोस्टर प्रणाली बनाई गई थी। लेकिन ये रोस्टर प्रणाली पहले वैकेंसी बेस्ड रोस्टर थी। वैकेंसी बेस्ड रोस्टर में मैं दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि जैसे 100 वैकेंसी निकलती थी, 100 वैकेंसी में 22 एससी और एसटी की बन जाती थी, जब उस समय ओबीसी का रिजर्वेशन नहीं था, मैं उस समय की बात बताना चाहता हूँ। तो उसके बाद में फिर क्या होता था कि जनरल कैटेगरी के लोग नौकरी छोड़कर चले जाते, रिटायर होकर चले जाते थे, 20 वैकेंसी अराइज होती थी, तो डिपार्टमेंट फिर 20 वैकेंसीज को नोटिफाई करता था। आप सरकारी कर्मचारी है, क्या लग रहा है, चूँकि आपका बैंकिंग सेक्टर के लोगों से, LIC के लोगों से मिलना जुलना होता है, SC ST OBC के नेता अभी उपेंद्र कुशवाहा की सड़क पर पिटाई हुई है, सूचे 2 महीने 1 महीने पहले तक केंद्रीय मंत्री थे, ये बड़ा कर्मचारियों पर भी को भी जानबूझकर फंसाया जाता है, चार्जशीट किया जाता है। ये तो देखिए, हाँ? मैं बताऊँ, मैं तो शुरू का शुरू टाइम्स के जो सरकारी अधिकारी कर्मचारी हैं उनका कारोबार, इवन OBC समाज के जो हमारे अधिकारी कर्मचारी हैं वो भी जुड़े हुए हैं, और उनका काम करीब मैं 25-30 साल से देख रहा हूँ राष्ट्रीय प्रधान महासचिव की हैसियत से, क्योंकि मेरे जो मैं जिस विभाग में मैं काम कर रहा हूँ वहाँ का जो एसोसिएशन है उसमें 31,000 SC ST कर्मचारी काम करते हैं, और सारे सरकारी एसोसिएशन में 31,000 कर्मचारी हमारे SC ST समाज के काम करते हैं, और उसके अलावा जो पूरे देश के अंदर जो हमारा महासंघ है जिसमें स्टेट बैंक भी आता है, जिसके अंदर CPWT भी आता है, इसके अंदर सारे निचलाई बैंक भी आते हैं, सभी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट उसका हिस्सा है, उसमें मैं बताना चाहता हूं दर्शकों को 40 लाख लोग 2 जुलाई 1997 को सरकार के रोल पर थे जब पोस्ट बेस्ड रोस्टर को लगाया गया था, वैकेंसी बेस्ड रोस्टर को हटाया गया था। आज ये संख्या घट करके करीब 15 लाख के आसपास बची है। अब आप ये देखिएगा कि कितना बड़ा अन्याय है, उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की निस्लेशन की पॉलिसी के तहत गरीब घरों में रोशनी आई थी, एक एक घर में नौकरी मिली थी, तो ये लोग सरकार की नौकरी में आकर के गरीबी की रेखा से ऊपर आए थे। आज ये जो लोग 40 लाख से घटकर 15 लाख के आसपास पहुंच गए हैं, और आने वाले 10 साल के अंदर ये संख्या घटकर के 2.5-3 लाख तक पहुंच जाएगी। इसका मतलब बैक टू पेविलियन की सिचुएशन जो है आने वाले समय में सरकार की नीतियों का कारण बनती जा रही है। मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि जी आपको सरकारीकरण में निजीकरण लाना अगर आपकी आवश्यकता है तो निजी क्षेत्र में आरक्षण लागू करना भी आपकी प्राथमिकता में होना चाहिए, और आपने इस मांग को हम पिछले करीब 20 साल से उठाते आ रहे हैं कि निजी क्षेत्र में आरक्षण की व्यवस्था करिए, लेकिन अफसोस है शंभू जी कि आज तक सरकार ने इस दिशा में कोई पहल नहीं की, जबकि निजी क्षेत्र वाले लोगों को सरकारी जमीन सस्ती दरों पर मिलती है, बैंकों का पैसा इस्तेमाल करते हैं, उनका अपना कुछ भी नहीं होता, बावजूद इसके भी वो देश के गरीब समाज SC ST OBC के लोगों को जो संवैधानिक प्रावधान संविधान में बनाए गए उनके तहत वो नौकरी देने के लिए तैयार। मतलब ये क्या लग रहा है आपको, लंबा अनुभव हो गया आपका नौकरी में, आप लोग सरकारी नौकरी में, आप अधिकारी हो कर्मचारी हो, आपको इन सब चीज़ों से गुजरना पड़ेगा, मतलब एक एक जो जो जातीय दम है उसका शिकार आपको होना पड़ेगा, और सरकारी नौकरियों में ज़्यादा स्थिति खराब हो गई। अभी आपने उपेंद्र कुशवाहा साहब की बात की, कल तक वो केंद्र सरकार के मिनिस्टर थे, माननीय मंत्री थे, अभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं, अब भी और लोकसभा के MP भी हैं, लेकिन जैसे ही उनका मंत्री पद उन्होंने त्यागा है उसके बाद उनकी पिटाई पटना में शुरू हो गई है। तो ये कुछ ना कुछ तो संदेश, ये बात अगर तुम मेरी मानोगे तो ठीक है, अगर मेरी नहीं मानोगे तो मैं आपके साथ ऐसा करूंगा। मानोगे या मेरे नीचे रहो, मेरा कहने का मतलब है कि अगर ये तो मुझे नहीं लगता, मैं आपको बताऊँ बात में कि ये एक किसी लोकतंत्र के अंदर, ऐसे भारत जैसे प्रजातांत्रिक देश के अंदर ये कभी भी मतलब यह है कि अप्रिशिएट नहीं किया सकता। हर आदमी को आज़ादी है अपनी बात कहने की, हर आदमी को कोई अगर गलत चीज़ है, अगर कुशवाहा साहब ओबीसी समाज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और 13 पॉइंट रोस्टर का उन्होंने उस दिन जंतर मंतर पर भी उन्होंने वहाँ पर आए थे, उन्होंने वहाँ भी अपना प्रदर्शन में वो खुद जो है मुझे बड़ा अच्छा लगा, उसी के लिए पटना और कल पटना में उसी के लिए उन्होंने प्रदर्शन किया, और उनकी जो पिटाई की गई है, निशुल्क के हाथ तोड़ दिए गए साहब बता रहे हैं, ये निंदनीय कार्य है और इसकी जितनी भी निंदा की जाए उतनी कम है। तो मतलब जो सरकारी कर्मचारियों को जिस तरह से टॉर्चर किया था, उस तरह से अब बताए मायावती के नेताओं पर छापेमारी, अखिलेश पर CBI की रेड हो रही है, लालू यादव को जेल में डाला गया है, अब उपेंद्र कुशवाहा पर हमला हुआ, तो क्या लग रहा है सब पॉलिटिकल? ये शेड्यूल का शेड्यूल टाइप्स OBC यानी बहुजन समाज के आंदोलन को क्रश करने का एक मैं कहूँगा कि एक कोशिश की जा रही है। मेरा ये कहना है कि हमको
फिर मैं ये कहूँगा कि भारत जो देश है वो प्रजातांत्रिक देश है, धर्मनिरपेक्ष देश है, सभी लोगों को इसमें बराबरी का हक है, सब लोगों को अपनी बात कहने की आज़ादी है। और ऐसे कार्यों से मैं समझता हूँ कि बहुजन समाज के अंदर रोष बढ़ेगा। आप अगर शासक ये समझते हैं कि उनके इन कार्यों की प्रशंसा होगी, ऐसा नहीं है। शासकों को इस बात को समझना चाहिए कि उनके ये जो दमनकारी जो चक्र चला रहे हैं, इससे समाज के अंदर एक रोष पैदा होता जा रहा है। आप तो मिलते रहते हैं तमाम SC ST OBC के मंत्रियों से, सांसदों से, चूँकि आपका वास्ता पड़ता रहता है, आप इतने लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, क्या रिएक्शन होता है उन लोगों का? चेहरे पर हंसी होती है या उनको वो भी मजबूर हैं, वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं, सिर्फ अपना कुर्सी बचाने के लिए चिपके रहते हैं? देखिए, मैंने अभी पिछले दिनों शंभू जी, मैं आज एक बार फिर आपके टीवी चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, मैं अपने सांसदों से, मंत्रियों से, विधायकों से, राज्य सरकारों और मंत्रियों से, केंद्र सरकार में जो ST समाज के, बहुजन समाज के मंत्री, मैं उनसे एक अपील करना चाहता हूँ, देखो आप लोगों को जो ये मौका मिला है, SC ST समाज के लोगों को, ये बाबा साहब अम्बेडकर के दिए 25% के राजनीतिक आरक्षण की वजह से मिला, किसी राजनीतिक पार्टी की वजह से नहीं मिला है। आप नहीं होंगे तो आपको दूसरा आ जाएगा। एटलीस्ट आपको 5 साल में लोकसभा में जाने का मौका मिला है, आपको मंत्री बनने का मौका मिला है, तो कम से कम बाबा साहब के कर्ज को तो उतारिए, समाज के कर्ज को तो आप उतारिए। आप इस डर में कि आपको हटा दिया जाएगा, आप इस डर में कि आपको आने वाले समय में लोकसभा का टिकट नहीं दिया जाएगा, अरे बंधुओं, आप ये मानकर चलो कि राज्यसभा में रिजर्वेशन बाबा साहब नहीं कर पाए, वहां आपका आदमी कितने होते हैं, तो 5-4, और 25% की लोकसभा में एक भी आदमी कम नहीं आता, इसका मतलब आपको लोकसभा में जाने का जो श्रेय है वो बाबा साहब अम्बेडकर को जाता है, किसी राजनीतिक पार्टी को नहीं जाता। मुझे तो कोई इंटरव्यू भी नहीं देना चाहता, शंभू को कोई इंटरव्यू नहीं देना चाहता, नेता कम से कम बचता है। आप लोग मिलते हैं तो उनका चेहरे का रिएक्शन क्या होता है? मुझे तो पहले ही बता देते हैं तुम नहीं, मैं तो देखिए देखता हूँ कि वो ऐसा है, मैं तो देखता हूँ कि वो चाहते भी हैं कि भाई हमारे समाज की बात होनी चाहिए, ऐसा नहीं है। बहुत सारे सांसद ऐसे हैं, बहुत सारे मंत्री ऐसे हैं जिनके अंदर दर्द मैं भी महसूस करता हूं, लेकिन उनकी राजनीतिक मजबूरियां उनको बाध्य करती हैं, कुछ चाहता है समाज से ज़्यादा उनकी अपनी कुर्सी प्यारी होती है, निश्चित रूप से समाज से ऊपर उनको, उनका कहना यह है कि वो SC समाज के वोटर्स चुनकर नहीं आते, उनको जनरल का वोट भी लेना होता है, पार्टी उनको टिकट देती है, अगर वो समाज के हक में बात करेंगे तो पार्टी उनका टिकट काट देगी, इसलिए वो समाज की बात ना करके पार्टी हक में बोलते हैं और समाज से दूरी बना लेते हैं। अपनी पार्टी ही सोल्यूशन दिख रहा है, मतलब जब अपनी पार्टी, निश्चित रूप से शंभू जी, निश्चित रूप से अपना खुद का आंदोलन हो, अपनी खुद की पार्टी हो, अपना खुद का संगठन हो, अपनी घर की भैंसा भुगी हो। मैं यहाँ समाज दर्शकों को कहना चाहता हूँ कि भैंसा भुगी अगर आपकी अपनी है तो आप जब चाहो तब चाहो उससे किराया बना लो, जब चाहो उसको अपने घर पर खड़ी कर लो। अगर आप भैंसा भुगी बेच करके किसी भी दूसरे आदमी कार पे ड्राइवर बनेंगे तो ड्राइवर तो बन जाएंगे, कार तो मिल जाएगी, लेकिन गुलामी आपको साथ मिलेगी। इसलिए गुलाम कभी भी शासक नहीं हो सकता। मेरा अपील है समाज के लोगों से, अपनी भैंसा भुगी चलाइए, अपनी भैंसा भुगी से किराया करिए, अपनी भैंसा भुगी से अपना जन जीवन का पालन करिए, किसी की कार पे जाकर के ड्राइवर आप बनेंगे अच्छा, तो आपको गुलामी के अलावा और कुछ मिलने वाला नहीं। चौधरी साहब, एक सर्वे आया है कि जितनी दल हैं, अगर आप छोड़ मतलब कांग्रेस हो, BJP हो, तमाम जो दल हैं SC ST के, चूँकि रिजर्व सीट है तो मजबूरी, ऐसे सांसदों को वो टिकट देते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या विधायक बनाते हैं MLC, जो जिनकी या तो समझ नहीं या जो मुंह न खोले, मतलब एकदम टेस्ट करके लिया जाता है, तो ऐसे में तो आप जैसे लोगों के लिए तो मौका मिलेगा नहीं दूसरे पार्टी में। देखिए हम लोग जिस काम को कर रहे हैं शंभू जी, हमें उसमें एक बड़ा संतोष और बड़ा सेटिस्फेक्शन है। आप समझे, मैं दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि जब 97 में ये संगठन महासंघ परिसंघ बनाया गया था, आज पूरा देश साक्षी है कि लाखों लोगों को दिल्ली की सड़कों पर हमने तारा था। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के साथ हमारी बहुत सारी मुलाकातें हुई, 3 दिन तक लोकसभा बंद रहा, 3 संविधान में संशोधन, 81, 82 और 85, हम लोग इतिहास बनाने वाले लोग हैं। हमने अपने समाज के सहयोग से इस भारत की धरती पर इतिहास बना के दिखाया है। हमने 3-3 अंतर्राष्ट्रीय दलित सम्मेलन शंभू जी आपके सम्मुख दिल्ली की धरती पर किए हैं। हमने करांट प्लेस के अंदर एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक कार्यालय बनाकर समाज को समर्पित किया है। तो हम लोग क्या है कि हम लोग खुद कर्मशील व्यक्ति, हम कार्य करने में विश्वास करते हैं। जहां तक टिकट की बात है, जो दलित सांसद MP MLA बनाए जाते हैं या ट्राइबल या पिछड़ा जो नेता जिसको लोग भर्ती करते हैं, वो इसी सर पर कि तुम मुंह नहीं खोलोगे, तो ऐसे में समाज को क्या कहेंगे? समाज की तो जिम्मेदारी बनती है कि समाज, देखिए समाज की जिम्मेदारी यहाँ बहुत ज़्यादा बन जाती है कि समाज को भी कोशिश करनी चाहिए। उस समय आ गया है जो सच्चे अम्बेडकरवादी उन्हें ढूंढिए, जो सच्चे बुद्धिस्ट है वो ढूंढिए, जो सच्चे